चलिए दोस्तों लेके आए और एक जबरदस्त टेक न्यूज। और सबसे पहले जो न्यूज दोस्तों वो आ रही पोको की तरफ से। पोको ने फाइनली पोको M3 को इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया। इस फोन में बहुत बढ़िया कुछ नहीं है, बैटरी जो है वो अच्छी है और डिस्प्ले भी बड़ा है। लेकिन अगर आपका बजट 11,000 है तो आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं, क्योंकि 6GB रैम और 64GB स्टोरेज वाले यूनिट है वो 11,000 रुपये में मिल रहा है। और अगर आपके दोस्त के पास या फिर आपके पास ICICI बैंक कार्ड हो तो ये जो वेरिएंट है ये आपको 10,000 रुपये के अराउंड मिल सकता है, तो आप इसकी तरफ देख सकते हैं। और साथ ही साथ पोको ने ट्विटर के ऊपर एक टीजर पिक्चर डाला जिसके अंदर उन्होंने अलग अलग फोन्स दिखाए, और इसके अंदर ऐसे कहा जा रहा है शायद ये ऊपर वाला जो फ़ोन होगा पोको F सीरीज़ का, शायद ये पोको F2 हो सकता है, मतलब पोको F2 का डिज़ाइन जो है वो ऐसे हो सकता है। अब देखना होगा जब पोको F2 के बारे में पोको बताएगा तो सच में पोको F2 का डिज़ाइन ऐसे ही रहता है या फिर दूसरा कोई डिज़ाइन लेके आता है ये फ़ोन, ये देखना सबसे इंटरेस्टिंग होगा। और अगली जो न्यूज़ दोस्तों वो आ रही सैमसंग की तरफ से। बड़ा डिस्प्ले और बड़ी बैटरी वाला फ़ोन आपको चाहिए लेकिन सिर्फ 7,000 रुपये के अराउंड चाहिए, तो सैमसंग ने उस फ़ोन को भी लॉन्च कर दिया है। इस फोन का नाम है सैमसंग गैलेक्सी M02। इस फोन को आप खरीद सकते हैं अगर आपकी रिक्वायरमेंट है बड़ा डिस्प्ले और बड़ी बैटरी लेकिन 7,000 रुपये के नीचे, मतलब 7,000 बजट हो आपका तो, और ये दोनों चीज़ें चाहिए तो ही आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं, वरना उससे ऊपर बजट हो तो भी बहुत सारे फोन्स आते हैं। और सैमसंग की तरफ से ही अगली न्यूज़ निकल के आ रही है। सैमसंग जो है वो अपने फोल्डेबल फोन्स बहुत सारे लॉन्च करने वाला है 2021 में। लेकिन ये भी बात सच है कि ऐसी न्यूज़ निकल के आ रही है कि सैमसंग जो है वो शाओमी हो, रियलमी हो, ओप्पो, वीवो, इन सारी कंपनियों को अपने फोल्डेबल डिस्प्ले जो है वो प्रोवाइड करने वाला है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा 2021 में कितने सारे फोल्डेबल फोन्स आते हैं, ये देखना सबसे इंटरेस्टिंग होगा। और सबसे चीपेस्ट फोल्डेबल फोन कौन सी कंपनी की तरफ से देखने को मिलता है, ये देखना सबसे इंटरेस्टिंग होगा। और अगली जो न्यूज दोस्तों वो आ रही है मीडियाटेक की तरफ से। मीडियाटेक दिन ब दिन बहुत अच्छे अच्छे काम करते जा रहा है। उन्होंने आज एक 5G वाला मोडेम लॉन्च किया M80 इस नाम से। इस मोडेम की खास बात है कि 5G के मिलीमीटर वेव्स को सपोर्ट करता है। इससे क्या होगा, स्पीड जो है बहुत ज़्यादा तेज आएगा, मतलब नियर टू 5G वाला स्पीड जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा M80 ये जो मॉडल है कौन से चिपसेट में आता है, ये देखना सबसे इंटरेस्टिंग होगा। और अगली न्यूज़ निकल के आ रही है वीवो की तरफ से वीवो S9 ऐसा एक फ़ोन आने वाला है, और ये जो पहला फ़ोन हो सकता है जो कि डायमंड सिटी 1100 इस प्रोसेसर पे आ सकता है, ऐसी न्यूज़ निकल के आ रही। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा वीवो की तरफ से S9 ये जो फ़ोन है ये डायमंड सिटी 100 प्रोसेसर के साथ और क्या क्या खास चीज़ें लेकर आता है, ये देखना सबसे इंटरेस्टिंग होगा। और अगली जो न्यूज़ दोस्तों वो आ रही ओप्पो की तरफ से। ओप्पो का अगला फ्लैगशिप लेवल का फ़ोन ओप्पो फाइंड X3, इसके कुछ स्पेसिफिकेशन जो है वो लीक हो चुके और कुछ फोटोज लीक हो गए, इनके अंदर इनके स्पेसिफिकेशन दिखे, जैसे कि इस फोन में कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 888 ये चिपसेट आने वाला है, ये बात तो पता थी। लेकिन साथ ही साथ एंड्रॉयड 11 का सपोर्ट आने वाला है और 12GB रैम वेरिएंट भी आने वाला है जो कि 256GB स्टोरेज के साथ आ सकता है। अब यहाँ पर सरप्राइज कर देने वाली बात यह है कि 512GB स्टोरेज की यूनिट जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है, 256GB स्टोरेज यूनिट दिखाई दे रहा है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा ओप्पो फाइंड X3 जो है ये कब तक लॉन्च होता है ओप्पो की तरफ से, और इस फोन की प्राइस क्या रखता है ओप्पो, ये देखना सबसे इंटरेस्टिंग होगा। अगली जो न्यूज दोस्तों वो आ रही है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग गैलेक्सी A32 ये जो फोन आने वाला है इसके 4 कलर वेरियंट आने वाले, ऐसे रूमर्स निकल के आ रहे। और साथ ही साथ सैमसंग गैलेक्सी A52 इस फोन के भी 4 कलर वेरियंट आने वाले। अब ये जो दोनों फोन है इनके अंदर व्हाइट, ब्लैक और ब्लू ये जो कलर है ये सेम रहने वाला है, लेकिन A32 जो रहने वाला है इसके अंदर डिफरेंट कलर, एक लेवेंडर कलर आने वाला है और A52 में एक वॉयलेट कलर आने वाला है, मतलब ये दो कलर है यही डिफरेंस आने वाला है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा ये जो फोन है ये सैमसंग की तरफ से कब तक लॉन्च होते हैं। और अगली जो न्यूज दोस्तों वो आ रही है शाओमी की तरफ से। शाओमी ने Mi 10i इस नाम से एक बहुत ही बढ़िया फोन निकाला, एक 5G फोन, और इस फोन की प्राइस बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रखी और लोगों ने भी इस फोन को बहुत ज़्यादा पसंद किया, क्योंकि ये फ़ोन लॉन्च हो के सिर्फ 3 ही हफ्ते हो चुके लेकिन 400 करोड़ के वैल्यूएशन तक के फ़ोन जो है वो सोल्ड हो चुके हैं। देखना होगा रियलमी X7 सीरीज है ये आने के बाद ये रिकॉर्ड जो है ये कितने जल्दी टूटता है, ये देखना सबसे इंटरेस्टिंग होगा। और अगली जो न्यूज़ दोस्तों वो आ रही एपेक्स लेजेंड। इस गेम के बारे में अगर आपने अभी तक नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं कि PC के अंदर बहुत ही बढ़िया गेम आता है। जैसे कि सबसे पहले PUBG आया था जो कि PC के अंदर आया था, वहाँ पर फेमस हुआ था और फिर उसने मोबाइल में एंट्री की और मोबाइल में सबसे ज़्यादा फेमस हो गया। वैसे ही एपेक्स लेजेंड है वो PC के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ही जल्द ये गेम मोबाइल के अंदर आने वाला है। और सबसे खास बात है इस गेम के ग्राफिक जो है वो बहुत बढ़िया रहते हैं दोस्तों,
तो देखना इंटरेस्टिंग होगा ये जो गेम है ये जून में आने के बाद मतलब जून 2021 में आएगा, जून में आने के बाद क्या पबजी के जैसे फेमस हो पाता है या फिर नहीं ये देखना सबसे इंटरेस्टिंग होगा। और आज की फाइनल न्यूज दोस्तों वो आ रही वी आई की तरफ से, वी आई मतलब वोडाफोन और आइडिया। अब एयरटेल ने 5G नेटवर्क लॉन्च कर दिया, जियो ने टेस्टिंग चालू कर दी, तो वोडाफोन ने भी कह दिया कि हमारे भी 5G वाली टेस्टिंग जो है वो चालू हो चुकी है इंडिया के अंदर और हम लोग भी बहुत जल्द 5G नेटवर्क जो है वो लॉन्च करने वाले। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा वोडाफोन और आइडिया इनका जो 5G नेटवर्क है वो कितना स्पीड देता है और ये जो 5G नेटवर्क है कब तक लॉन्च होता है ये देखना सबसे इंटरेस्टिंग होगा। तो चलिए दोस्तों आज के टेक न्यूज़ को यही खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और नीचे कमेंट करके बताएं दोस्तों कि आपको कौन सी टेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों।